हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक नया प्रोसेस, नया ट्रिक्स। वो क्या है, आप अगर आप बैंक में जाते हो एटीएम के लिए, एटीएम आपको दे देता है, लेकिन अभी जो प्रोसेस है, आप नया जो प्रोसेस है उसके जो एटीएम है, आप बैंक के एटीएम से एटीएम कार्ड के साथ उसका पिन नहीं देता है, अब बैंक वालों ने नहीं देता है। तो इसलिए आपको पिन खुद को ही जनरेट करना पड़ता है एटीएम में जाकर। तो एटीएम कार्ड का पिन आप कैसे जेनरेट कर सकते हो खुद खुद एटीएम में जाकर, वही मैं प्रोसेस आज आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कैसे एटीएम में जाके पिन जेनरेट करना है खुद का। तो इसलिए वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए, और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आपके पास अगर नया एटीएम आया है, उस एटीएम का पिन कैसे आपको जनरेट करना है एटीएम में जाके। तो आज दिखाऊंगा स्टेट बैंक का एटीएम। तो हर कोई बैंक का एटीएम का पिन जो है एक ही तरीके से चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक है आपका अकाउंट नंबर, और आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल को, और आपका जो एटीएम है उस एटीएम को, इस तीनों चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो ये तीनों चीज़ लेके आपको एटीएम में जाना होगा, स्टेट बैंक के कोई भी एटीएम में। एटीएम में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हो। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते रहो, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दूंगा कैसे एटीएम का पिन जेनरेट करते हैं। तो इसलिए वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखते रहिए। तो पहले आपको एटीएम जो है, एटीएम को आपको पहले स्वाइप करना है। एटीएम स्वाइप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। तो बैंकिंग, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफर, और नीचे एक ऑप्शन आप देख सकते हो पिन जनरेशन का, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो पिन जनरेशन का नीचे जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। पिन जनरेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा कुछ पेज आएगा, नेक्स्ट कुछ ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको बोलेगा आपका जो 11 अंक का जो बैंक अकाउंट नंबर है, उस बैंक अकाउंट नंबर को आपको यहाँ से डालना होगा। आपका बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ से डाल लीजिए। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर कॉन्फर्म का एक बटन आपको मिलता है, कॉन्फर्म बटन में आपको क्लिक करना होगा। कन्फर्म बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपको यहाँ पर 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर आपको देना है, देने के बाद आपको फिर से कन्फर्म में यहाँ पर क्लिक करना होगा। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसको फिर से आपको कन्फर्म यहाँ से कर देना है। कॉन्फर्म करने के बाद आप देख सकते हो, योर पिन जनरेशन ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, आपका पिन जनरेशन हो गया है, और आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पर वो जो पिन है, एटीएम का पिन आपको भेज दिया गया है। तो आपके मोबाइल पर जो पिन भेज दिया है, उस पिन को आपको नहीं रखना है, आपको पिन को अपनी तरीके से रखना है, और पिन को आपको चेंज करना है। बैंक का जो पिन है वो पिन आपको नहीं रखना है, तो पिन को आपको चेंज करना है। तो इसलिए पिन कैसे चेंज करते हैं वो भी देखते हैं। तो आप फिर से एटीएम कार्ड को आपको स्वाइप करना होगा। एटीएम कार्ड को आप पहले स्वाइप कर लीजिए, नया जो एटीएम है उसको स्वाइप कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो, सर्विस, मिनी स्टेटमेंट, रजिस्टर, क्विक कैश, बैंकिंग, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफर। तो बैंकिंग का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद आपके सामने लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा, इंग्लिश और हिंदी। तो आपका जो लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर लीजिए, मैं इंग्लिश चूज कर लेती हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको 10 से लेकर 99 तक आपको कोई भी जो संख्या है आपको यहाँ पर देना है, 10 से 99 तक, मैं 45 दे दिया। देने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली येस में क्लिक कर देना है। येस में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको प्लीज एंटर योर पिन, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो एटीएम का पिन गया है, उस पिन को आपको यहाँ पर देना होगा, 4 डिजिट का। आप यहां से पिन दे दीजिए। आपको पिन देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहां पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन का, डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, पिन चेंज, आधार, फास्ट कैश, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। तो यहां पर आप लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देख सकते हो, पिन चेंज का एक ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है। तो पिन चेंज का जो ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो पिन आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, पिन में क्लिक कर दीजिए।
पिन चेंज में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, प्लीज एंटर योर न्यू पिन। आप जो पिन रखना चाहते हो 4 डिजिट का, आप यहाँ से उस पिन को यहाँ पर टाइप कर लो। टाइप करने के बाद आपको फिर से वो पिन फिर से देना होगा, री एंटर करना होगा उसी पिन को, जो पिन आपने बनाया है उस पिन को फिर से आप दीजिए। देने के बाद आप देख सकते हो योर ट्रांजेक्शन बीन प्रोसेस, प्लीज वेट। ठीक है, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो नया पिन है वो पिन जेनरेट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो योर पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, तो मेरा जो पिन है नया पिन वो जेनरेट हो गया है। तो ऐसे ही आपका जो नया ATM का पिन है, पिन आपको जेनरेट करना है, उसको पिन को ऐसे ही आपको चेंज कर लेना है, ऐसे आपका जो ATM है वो सुरक्षित रहेगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।